सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह है राज्य की मुख्य कार्यपालिका, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज राजस्थान, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने चर्चा की थी वो राज्य के राज्यपाल के बारे में। जैसा कि हम सब फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जिस तरह से संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका अलग अलग होती है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अतिरिक्त जो मुख्य कार्यपालिका होती है वो तीन तरह से होती है, नाममात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति को देखते हैं, वास्तविक कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री को देखते हैं। उसी तरह से हम राज्य स्तरीय जो संरचना है वहाँ राष्ट्रपति के स्थान पर राज्यपाल या गवर्नर आता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं और व्यवस्थापिका शक्तियाँ दो सदन में की व्यवस्थापिका होती है और कहीं कहीं एक सदनीय व्यवस्थापिका भी होती है, विधानसभा और विधान परिषद। राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। आर्टिकल 152 टू 167 में कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में कहा गया है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट एक्ट पर एड एंड एडवाइज ऑफ मिनिस्टर्स, जो मुख्यमंत्री वगैरह की सहायता से कार्य करता है। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। मिनिस्टर जो होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस को कहते हैं जिसे हम विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस को कहते हैं जिसे हम विधान परिषद कहते हैं। एक्ट 152 में गवर्नर के बारे में कहा गया है और ये माना गया है कि हर राज्य में एक गवर्नर होता है। सेवेंथ अमेंडमेंट जो 1956 में कहा गया था उसमें एक गवर्नर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। और जो राज्यपाल होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव नॉमिनल हेड नाममात्र के कार्यपालिका होती है राज्य की। उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, ड्यूअल रोल होता है उसका। गवर्नर को जो शपथ दिलाई जाती है वो हाई कोर्ट के सीजे के माध्यम से दिलाई जाती है, और अगर वह उपलब्ध नहीं होता है तो कोई भी सीनियर मोस्ट जज जो है उसको शपथ दिलाता है। पावर और फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। द गवर्नर ऑफ स्टेट पजेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर एनालॉग्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नो डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की तरह उसके पास कोई भी डिप्लोमेटिक यानी कि राजनीतिक संबंध वगैरह के आधार पर और सैन्य और आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को नहीं मिलती हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ गवर्नर, जो भी राज्य में कार्यपालिका संबंधी कार्य होते हैं वो गवर्नर के नाम पर होते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री की। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों को बहुत सीमित उल्लेख मिलता है। संविधान के 167 में कहा गया है, तीन प्रकार के आदेश कहे गए हैं, राज्य प्रशासन तथा विभाग के प्रस्तावों से संबंधित जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद में लिए जाते हैं उसकी सूचना वह राज्यपाल तक पहुंचाएगा। सिंबल ऑफ रूलिंग पावर, चीफ मिनिस्टर सत्ता शक्ति का प्रतिनिधित्व एक सिंबल होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है लेकिन केंद्र के समान शक्तिशाली नहीं होता।
सरकार को, राज्य सरकार को शेप देने का और स्टाइल देने का काम उसी का होता है। किस तरह का कार्य किया जाएगा वो देखने का कार्य राज्य मुख्यमंत्री का होता है। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होता है। पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, कार्यपालिका संबंधी कार्यों के अंतर्गत गवर्नर राज्य की जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके प्रमुख को सीएम बनाता है। अगर कभी कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसमें भी वो जो बहुमत होता है जिसको, उसको वो मुख्यमंत्री बनाता है। चीफ मिनिस्टर की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो है सिटीज़न ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, शुड बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की कोई भी व्यवस्थापिका का एक, किसी भी सदन का एक मेंबर सदस्य होना चाहिए। पावर्स एंड फंक्शंस हम देखेंगे। रियल एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, उसकी शक्तियाँ विस्तृत होती हैं। वर्किंग हेड होता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, मिनिस्टर्स का सिलेक्शन करता है, प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इंश्योर प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मीटिंग बुलाता है उस मीटिंग को संबोधित करने का और साथ ही साथ सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन टू द गवर्नर व्हेन कॉल्ड फॉर। पावर एंड फंक्शंस, प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की बैठक बुलाने का कार्य करता है। इंश्योर प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को बनाए रखने का कार्य करता है। कम्युनिकेट्स ऑल डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल की बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको कम्युनिकेट करता है। प्रशासनिक मामलों और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स को भी देखता है। प्लेसेस मैटर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेयर गवर्नर रिक्वायर हिम टू हैव द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नर को जब भी, राज्यपाल को जब भी कोई निर्णय की आवश्यकता होती है तो ऐसे समय में वो मंत्रिपरिषद के साथ सहयोगी की भूमिका निभाता है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद का सूत्र होता है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सोल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद हिज मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर, मिनिस्टर और मंत्रियों और व्यवस्थापिका के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। बिल्स के बारे में, रिजोल्यूशन के बारे में, मूव्ड इन लेजिस्लेचर मस्ट हैव हिज अप्रूवल, कोई भी जो कानून है उसकी सहमति से कोई भी बिल है वो मुख्यमंत्री की सहमति से ही बनता है। एज ए लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, जो सत्ताधारी दल के नेता के रूप में, वो अपने दल में डिसिप्लिन मेंटेन करता है। Tender his resignation any time to governor, can advise governor to summon person for installation of ministry to dissolve the house. वो किसी भी समय अपना इस्तीफा राज्यपाल को दे सकता है। राज्यपाल को वो सभा बुलाने का सलाह दे सकता है, हाउस को भंग करने का परामर्श दे सकता है। अगर कोई सदन भंग कर दिया जाता है तो उसका परिणाम होता है प्रेसिडेंट्स रूल,
प्रैक्टिकली पावर ऑफ पैट्रोनेज बेस्ड इन चीफ मिनिस्टर. कंसल्टेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट हाई कोर्ट जजेस एंड एसपीएससी मेंबर्स एटसेट्रा. राज्य के आरपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के मेंबर हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने में राज्यपाल एक सलाह मशवरा प्रदान करता है, राज्यपाल को सलाह देता है. पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र कैनॉट टेक प्लेस विदाउट हिज अप्रूवल. उनका स्थानांतरण और पद स्थापन उसकी सलाह के, उसके अप्रूवल के बिना नहीं किया जाता. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है जो कि गवर्नर के द्वारा होती है और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से होती है. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होते हैं, 25 ईयर्स ऑफ एज, शुड बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर. इफ नॉन मेंबर, अगर वो सदस्य नहीं होते हैं, मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर विद इन 6 मंथ. 6 महीने में उनको सदस्यता लेनी पड़ती है. फेलिंग विच ही इज टाइबल फॉर फोरफेट हिज ऑफिस. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम द गवर्नर अपॉइंट मिनिस्टर्स, असाइन एलोकेशन पोर्टफोलियोज, उनकी नियुक्ति करता है, उनको पोर्टफोलियो उनके जो कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे, डिटरमाइंस द रैंक, उनके रैंक के बारे में डिटरमाइन निश्चित निर्धारित करता है. 3 तरह की रैंक होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं, अटेंड मीटिंग ऑफ कैबिनेट बाय राइट, उनका अधिकार होता है कि वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करें. मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट, वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं. अटेंड एनी पर्टिकुलर मीटिंग ऑन इनविटेशन ओनली, अगर उनको कहीं निमंत्रित किया जाता है तो वह उस समय मीटिंग को अटेंड करते हैं. जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने का काम करते हैं. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. हेंस मिनिस्ट्री एज ए बॉडी शैल बी अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू रिजाइन एज सून एंड लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट. सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या तात्पर्य है? अगर कोई भी मंत्री गलत कार्य करता है तो वह स्वयं त्यागपत्र दे देता है, और अगर वह त्यागपत्र नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग किया जा सकता है. लेकिन एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 163(1) में कहा गया है, सीएम शैल बी एट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, हेड होता है सीएम. हैंस रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ सीएम डिसॉल्व द कैबिनेट. अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो रेजिग्नेशन दे देता है, तो ऐसी स्थिति में जो कैबिनेट है वो डिसॉल्व हो जाती है, विधानसभा का विघटन हो जाता है. पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेजिस्लेटिव पावर्स, विधानसभा व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ. कंट्रोल्स द लेजिस्लेचर टू द स्टेट गवर्नमेंट. फॉर्मुलेट्स पॉलिसी, submits and explain it to legislature for approval. नीतियाँ बनाना, उनको लागू करवाना, उनको explain करना और व्यवस्थापिका में सहमति के लिए रखना. Ministers initiate the entire legislation of importance, passes by legislature. Financial power controls the financial policy of the state. राज्य की वित्तीय नीति पर नियंत्रण रखना. Finance minister submit the state budget. राज्य मंत्री, राज्य का वित्त मंत्री
स्टेट का राज्य का बजट रखता है। लेजिस्लेचर अप्रूव्स द बजट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू आइटम्स इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म विद द सपोर्ट ऑफ सब सर्विलेंट मेजॉरिटी। जब बजट का अप्रूवल व्यवस्थापिका में हो जाता है तो ऐसे इसके पश्चात जो है नीतियां, कानून निर्माण जो होता है वो कार्य पूरा हो जाता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एग्जीक्यूटिव पावर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। मिनिस्टर्स प्रिसाइड्स ओवर द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हर विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो कोई ना कोई मिनिस्टर होता है। इनका काम क्या होता है? गिव डायरेक्शंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को निर्देश देना। कैबिनेट कोऑर्डिनेट्स द पॉलिसी अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट एंड सेटल्स देयर कॉन्फ्लिक्ट्स। जो कैबिनेट है वो सारी नीतियों को कोऑर्डिनेट करती है, उनमें समन्वय बिठाती है और विभिन्न जो विभाग हैं उनके बीच में जिस तरह की भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको सेटल करने का कार्य किया जाता है।